नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर ना आपसे कोई सच में बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्यार मतलब वो पार्टनर वाली बात कर रही हूँ मैं, रिलेशनशिप वाली बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका दिल किसी और पे आ जाए। पूरी दुनिया के सबसे बढ़िया इंसान को, डिजायरेबल इंसान को भी अगर आप सामने लाके खड़ा कर देंगे ना, दिल आ ही नहीं सकता, प्यार हो ही नहीं सकता। वो स्थान, वो इंसान उस इंसान को दे ही नहीं सकता जो आपका था, अगर सच में प्यार है तो। लेकिन अगर समय के चलते वो प्यार खत्म हो गया है और किसी और इंसान को वो स्थान दे दिया गया है, देन आप ये समझ लीजिए, आप उसके पीछे नेगेटिविटी हो, आपकी ओवर थिंकिंग हो, बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाना हो, बहुत ज्यादा हमारी इस तरीके की चीजें हो जो रिलेशनशिप में आ गई, नेगेटिविटी हो, वो वही दम तोड़ रहा था और वो दम तोड़ते तोड़ते मर गया। वो मर गया इसलिए एंट्री हो गई किसी और की। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो समझ लीजिए कि वहां दम टूट चुका है। रीजन बहुत सारे होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि रीजंस नहीं होते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उन रीजंस को हटाने की अपने अंदर कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को पूरी भरपूरता से भरने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को प्रॉपर वे में जाकर के हील कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में लाइफ को ऐड करना है, तब जाकर के चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर इस तरीके का चेंज आप देखते हैं, तब ये समझ लीजिएगा कि वहां उस रिलेशन में, उस प्यार में, या तो वो प्यार कभी था ही नहीं, आपने वो अट्रैक्शन को, वो मीठी मीठी बातों को, वो चिकनी चुपड़ी बातों को, वो वाली बातें नहीं होती, भविष्यना, खाना पीना, टिन्ना मिन्ना, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, उस टाइम पर वो बूस्ट, उस टाइम पर वो, उन सारी चीजों को आपने प्यार का नाम दे दिया था और आपको ये लगा कि ये प्यार है। बेसिकली वो जो वाइब्रेशन थी ना, उस चीज से मैचिंग हुई ही नहीं थी, तो वो डेवलप हुआ ही नहीं था। दो ही चीजें होती हैं, या तो वो मर गया या फिर वो डेवलप कभी हुआ ही नहीं था। तो अगर वो डेवलप नहीं हुआ है, तब कोई आ रहा है आपकी लाइफ में या सामने वाले की लाइफ में, तो भी प्यार था ही नहीं। और अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चला है लेकिन चीजें खराब 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 होती चली गई, तो वो रिश्ता पहले वेंटिलेटर पे जाते हुए स्लोली 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 दम तोड़ चुका है, उसके बाद में ये चीज हुआ है। दम टूटने के बाद में भी, क्योंकि आप जीवित हैं, रिश्ते ने दम तोड़ा है, उस बीच के प्यार ने, अफेक्शन ने, अट्रैक्शन ने दम तोड़ा है, तो उस चीज को तो वापस भी अगर कोशिश की जाए तो जीवित किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? हम अगर मर मर के करना चाहेंगे तो वो तो ऑलरेडी मरा हुआ, तो मर मर के तो जीवित हो नहीं सकता। तो या तो फिर आपको ही एक नया इंसान बन करके जिंदा दिली के साथ सामने आना पड़ेगा, या फिर ये हो सकता है कि आपको ये अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि ठीक है, अब इसके पीछे चाहे मेरा बिलीफ सिस्टम हो, चाहे सामने वाले का बिलीफ हो, चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे उनकी और मेरी तरफ से नेगेटिविटी हो, चाहे हम दोनों के बीच में हमको समझ ही ना आया हो कि वो चीज़ पनपी है या नहीं पनपी है, ये भी हो सकता है कि हमने कुछ बातों को, अफेक्शन को, इन्फैक्चुएशन को प्यार समझ लिया हो लेकिन हमें रियलिटी समझ में ही ना आई हो। तो ये सारी चीजें सोचते समझते भी हमें अपने आप को एक जीवन दान तो देना ही पड़ेगा, बजाय उस चीज को लेके कंटिन्यूअसली रोते हुए। मैं फिर से ये वीडियो खत्म करने के पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर प्यार है तो फिर वो नजरिया, वो प्यार, वो चीजें, वो जुड़ाव, वो लगाव, वो अट्रैक्शन, वो फिजिकल होना भी इनफैक्ट नहीं हो सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ही नहीं सकता। मैं सच्चे प्यार की बात कर रही हूं। अगर हो रहा है ना, देन आपको यहाँ अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि या तो आप बहुत हद तक चीजों को समझे नहीं, और अगर आप समझे थे
तो वो चीजें बीच में मरी हैं और तब आपको समझ आई नहीं, और अगर अब समझ आई थी तो फिर अब आपको मरने की जरूरत नहीं है, अब आपको वापस से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करना है, एक जिंदा दिल इंसान बन के वापस से एक नए रूप के साथ अपने ऊपर काम करना है, बजाय ये सोचते हुए कि कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना जो माइंड है ना उसको ब्रॉड करके देखने की जरूरत है, सारे पिक्चर को एकदम खुली आंखों से थोड़ा सा दूर जा करके देखने की जरूरत है। आपके हाथ में ही है ये सारी की सारी चीजें, एकदम क्लैरिटी के साथ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो बातें थी तो बातों का क्या है यार, कोई भी कर सकता है, वो तो वादे थे तो वादों का क्या है यार। मेरे हिसाब से वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिसको निभाना होगा वो बिना वादे किए भी निभाता है, वो बिना वादे किए भी निभाती। तो आप ये समझिए, बहुत स्मार्टली चीजों में जाइए, समझदारी से दिल और दिमाग दोनों के बीच का एक संतुलन होता है उसे बनाते हुए। बहुत ज्यादा ही अगर आप गिरे पड़े जा रहे हैं देन बी केयरफुल, क्योंकि ये मरने की निशानी है। आप देखेंगे आप जिस भी चीज के लिए गिरे पड़े जा रहे हैं वो चीज खत्म हो रही है। तो इस तरह से आपके पास साइन भी आते हैं, चीजें होती हैं। सो बी केयरफुल, आपसे जो सच में प्यार करेगा वो किसी को भी दुनिया के सबसे ज्यादा डिजायरेबल इंसान को भी उस नजर से नहीं देख पाएगा, उसे आपकी जगह नहीं दे पाएगा। पर सच्चा प्यार होना चाहिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे जो ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।